हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेगा स्ल्यूज जो है उसकी कटिंग कैसे करते हैं। जैसे ब्लाउज के लिए सिंपल स्ल्यूज जो है, सिंपल स्ल्यूज से मेगा स्ल्यूज जो है वो बहुत ही अच्छी दिखती है। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। तो आप जैसे क्या हो जाता है, सिंपल स्ल्यूज जो होती है उससे भी मेगा स्ल्यूज जो है वो अच्छी दिखती है। इसलिए हमने ये इसकी कटिंग कैसे करनी है ये मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे ब्लाउज के लिए भी आप लगा सकते हैं, ड्रेस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, या छोटे बच्चे के लिए फ्रॉक के लिए भी आप ये स्ल्यूज जो है वो मेगा स्ल्यूज जो है वो तैयार कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है। मेगा स्ल्यूज के लिए कैसा है, जैसे स्क्वेयर में कपड़ा लेना पड़ता है, स्क्वेयर में कपड़ा लेंगे तो ये मेगा स्ल्यूज जो है उसकी कटिंग भी अच्छी आती है और स्ल्यूज भी एकदम परफेक्ट बैठती है। तो ये ब्लाउज के लिए, जो ब्लाउज के लिए ड्रेस और फ्रॉक के लिए ये एक ही तरीका है कटिंग करने का। ये देखिए, इसे हमें ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड किया है। जैसे इसको क्या करना है, स्क्वायर में पहले कपड़ा लेना है, उसको हमें एक कोना लेके इस तरह से हमें इसको लेना है। इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से लेंगे, ट्रायंगल शेप में लेंगे। फिर उसके बाद ये साइड जो है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमें फोल्ड करनी है। अभी ये जो बाजू है, ये डबल बाजू जो आती है, यहाँ पे हमारा स्लीव्स का बॉटम आता है, और एक साइड जो बंद बाजू आती है, पूरी बंद बाजू आती है, ये हमारे स्लीव्स की लंबाई आती है, और ये जो खुली साइड रहती है यहाँ पे हमारा आर्म होल आता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो दोनों बंद बाजू है ये इस तरह से, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमें सिर्फ जैसे नॉर्मल जो स्लीव्स होती है उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जैसे 1 इंच हमें अंदर के साइड में फोल्ड करने, पट्टी लगाने के लिए हो जाता है, 1/2 इंच ऊपर के साइड में सिलाई के लिए जाता है, लेकिन इसका क्या हो जाता है, हमें सिर्फ 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये पहले ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड किया था। फिर से मैं अब एक बार फिर से समझाती हूँ। ये देखिए, इसे क्या करना है, इस तरह से ट्रायंगल शेप लेना है। लेने के बाद इसे फिर से वापस इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो दोनों बंद बाजू आती है वो हमारे स्लीव्स का बॉटम आता है, और एक बंद बाजू जो आती है यहाँ पे हमारे स्लीव्स की लंबाई आती है। तो पहले लंबाई लेंगे। अभी नॉर्मल स्लीव्स में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इसमें सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, सिर्फ सिलाई के लिए हमें ये लेनी पड़ती है। तो ये 3.5 इंच हमारी तैयार आएगी, और 1/2 इंच हमने लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, यानी कि 4 इंच लिया है। अभी यहाँ पे हमें इसका क्रॉस लेना है, आर्मोल, जितना आपका आर्मोल होगा उतना आपको लेना है। जैसे 8 इंच हमारा आर्मोल है, 8 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए, 8 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। बॉटम जो है, स्लीव्स का बॉटम नापना है, स्लीव्स का बॉटम है हमारा 6 इंच, 6 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तैयार 6 इंच है। इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है, यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ब्लाउज के लिए होगा तो आपको 1 इंच ऊपर के साइड में लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं तो डायरेक्ट 1 इंच रहेगा, तो ये सिलाई मार्जिन रहता है तो ये अच्छी दिखती है स्लीव्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 इंच पे एक मार्किंग किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव्स का जो शेप है वो देना है। इस तरह से हमने ये स्लीव्स का जो शेप है वो दिया है। अब इसे हमें कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये हमारी दोनों बंद बाजू जो है वो बॉटम है हमारा, ये एक बंद बाजू है, ये हमारी स्लीव्स की लंबाई है, और ये जो है ये हमारे स्लीव्स की आर्म होल है। अभी इसे इस तरह से आती है, ये स्लीव जो है ये हमारी इस तरह से आती है। आप चाहे तो इसको हल्का सा फ्रंट साइड का जो शेप है वो दे सकते हैं, लेकिन एक ही शेप देंगे
तो भी ये स्लीव्स एकदम परफेक्ट आती है। हल्का सा एकदम क्वार्टर इंच का आप शेप दोगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलता है। ये देखिए आप एक ही शेप, जैसे स्लीव्स के लिए आपको एक ही शेप देना है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये मेगा स्लीव जो है इस तरह से कटिंग करके दिखाई है। ये देखिए ये स्लीव जो है इस तरह से आती है हमारी, लेकिन ये डबल रहती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो आती है ये आर्मोल के साइड से आती है, और ये जो आती है ये बॉटम की साइड से आती है। ये देखिए यहाँ पे यह शोल्डर को ज्वाइंट हो जाती है और यहाँ पे हमारा ये बॉटम रहता है। इस तरह से मैंने आपको ये मेगा स्लीव्स की कटिंग आपको करके दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।